दोस्तों, तो अब हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शंस, यानी जो हम इंसान कराते हैं बाय यूजिंग सम प्रॉपर्टीज ऑफ द हेवी अनस्टेबल न्यूक्लियस। तो दो मेन टाइप ऑफ रिएक्शन होता है, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन यानी न्यूक्लियस को तोड़ना, और दूसरा होता है न्यूक्लियर फ्यूजन यानी न्यूक्लियस को चुड़ना। ठीक है, अच्छा, उसके अंदर जो फ्यूजन है वो फ्यूजन हमारा नेचर में भी देखने को मिलता है, बट फ्यूजन इज कंप्लीटली आर्टिफिशियल रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, फ्यूजन और फ्यूजन का मेन रीजन समझो। हम लोगों ने एक चीज देखे है, जो हमारा बहुत ज्यादा लाइट न्यूक्लियस है या बहुत ज्यादा हेवी न्यूक्लियस है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दोनों का ही कम होता है, एंड जो मिडिल वाले होते हैं उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो उस लॉजिक से अगर मेरे पास कोई हेवी न्यूक्लियस है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर नॉर्मली हम 210 के ऊपर के बारे में बात कर रहे हैं, उसको अगर हम कुछ करके तोड़ सकते हैं दो पार्ट में, तो ऑब्वियस सी बात है दो जो हमारा मीडियम वेट का प्रोडक्ट बनेगा, वो मीडियम वेट का प्रोडक्ट्स जो होंगे ऑब्वियसली उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होंगे। तो ओवरऑल अगर मैं इस रिएक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो वो रिएक्शन में डेफिनेटली हमारा एनर्जी जो है बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट पे रिलीज होने वाली है। ठीक है, तो बड़े कोई एक न्यूक्लियस को दो मीडियम छोटे पार्ट में तोड़ने का जो टेक्निक होता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। बिफोर आई स्टार्ट, में एक बार के लिए साइड हट जा रहा हूं, जो कि आप लोग एक बार आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट्स बनाने में इस्तेमाल करना। उसके बाद में एक एक पॉइंट इसका एक्सप्लेन करना चालू करता हूं। लेट्स सी, उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिए हो, देखते हैं। तो मान लो हमारे पास कोई जेड एक्स ए है, उसको मैं दो पार्ट में तोड़ रहा हूं, वाई और डब्ल्यू। ये हमारा हेवी है, ये दोनों हमारा मीडियम पार्ट का है। मान लो इसका हमारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो है एक्स, इसका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो है ईवाई, और इसका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो है ईडब्ल्यू। तो ये वाला रिएक्शन का क्यू वैल्यू क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंटू द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंटू इसका नंबर ऑफ न्यूक्लियंस माइनस इसका बाउंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंटू इसका नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। या फिर ऑल्टरनेटिवली ऐसे भी सोच सकते हो, पूरा रिएक्शन में अगर मास डिफेक्ट डेल्टा एम है तो क्यू जो होता है दैट इज डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। सो दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन। अच्छा, नाउ न्यूक्लियर फिजन हम जो न्यूक्लियस के लिए करते हैं उसका एन बाई पी रेशियो हमारा बहुत ही ज्यादा हाई होता है। ठीक है, अच्छा, मीडियम वाले के बारे में अगर हम बात करें तो एन बाई पी रेशियो 1 से तो ज्यादा होती है लेकिन 1 के काफी ज्यादा नजदीक होती है, राइट? तो नॉर्मली ये ऑब्जर्व किया गया है, जो मैं तोड़ता हूं उसके अंदर एक तो हमारा मीडियम वाला होता है और दूसरा वाला जो होता है वो रिलेटिवली हायर होता है, यानी वो रिलेटिवली हायर इसलिए होता है जो कि एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को लेकर वो बन पाए। फिजन रिएक्शन के दौरान हमेशा नेकेड न्यूट्रॉन्स जो है वो हमें कुछ ना कुछ मिलता ही है। ठीक है, इसके अलावा जो कंपैरेटिवली हेवियर वाला पार्ट है वो नॉर्मली हमें हमेशा बीटा डिके करने को दिखा जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है एक बार हम न्यूक्लियस को तोड़ देंगे तो एक तो एकदम मीडियम वेट वाला होता है 30-40 के रेंज पे, दूसरा जो होता है वो हमारा थोड़ा रिलेटिवली हायर होता है, एंड जेड जो है 30-40 के रेंज पे होता है, दूसरे वाले का जो होता है वो हमारा रिलेटिवली हायर होता है। इसके अलावा कुछ न्यूट्रॉन्स एक्स्ट्रा निकल जाते हैं, वो हमेशा न्यूक्लियर रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट जो है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, एंड उसके बाद जो है हमारा जो दूसरा वाला जिसमें एन बाई पी थोड़े ज्यादा है वो नॉर्मली बीटा डीके करने को देखा जाता है। ठीक है, राइट, सो व्हाट इज द बेसिक फ्यूजन रिएक्शन? सबसे पहले जो बेसिक फ्यूजन रिएक्शन है दैट वी डिस्कस फॉर 92 यूरेनियम 235। ठीक है,
जो 92 यूरेनियम 235 है उस पे अगर मैं एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को पास करवाता हूं तो वो न्यूक्लियस उस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करते हुए बनाता है 92 यूरेनियम 236। दैट्स अ हाईली अनस्टेबल न्यूक्लियस, ऊपर से एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब किया है तो एनर्जी लेवल वाइज जो न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स होते हैं उस पर भी वो एनर्जेटिक होती है और 92 यूरेनियम 236 जो है वो हमारा तुरंत स्प्लिट करता है। वो स्प्लिटिंग बहुत सारे टेक्निक से होती है, जो मेन स्प्लिटिंग होती है वो है 56 बेरियम 141 प्लस 36 क्रिप्टन 92 और साथ में जो हमारे न्यूट्रॉन्स है वो तीन एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन मिलता है। इसके अंदर जो 56 बेरियम 141 है नॉर्मली वो हमारा फर्दर बीटा डीके करने को मिलता है। दैट्स द मेन रिएक्शन, इस पे एनर्जी निकलती है मान लो Q1। हाँ, इसके अलावा बहुत सारे ऑफशूट रिएक्शन भी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैंने लिखा हूं 54 ज़ेनॉन 140 प्लस 38 स्ट्रॉन्शियम 94 प्लस 2 न्यूट्रॉन और एनर्जी में Q2 जो है वो हमारी रिलीज हो रही है। ठीक है, ऑन एन एवरेज अगर एक फ्यूजन रिएक्शन में करता हूं एक न्यूट्रॉन से नॉर्मली हमारा 5 न्यूट्रॉन जो है वो 5 न्यूट्रॉन हमारा निकलता है। ठीक है, अच्छा न्यूट्रॉन जो हम यूज करते हैं दैट इज मस्ट बी वेरी वेरी स्लो, अदरवाइज अगर न्यूट्रॉन हमारा बहुत ज्यादा फास्ट होगा जो हमारा टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट होगा दैट टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी वेरी लेस एंड वाया क्वांटम टनलिंग देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी जो हमारा फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है वो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन हमारा रिएक्शन ही ना करे, वो केवल और केवल न्यूक्लियस के थ्रू थ्रू एंड थ्रू पास कर जाए और वो हमारा एब्जॉर्ब ना हो। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स इस बात को एश्योर करता है जो हमारा टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द न्यूट्रॉन एंड द न्यूक्लियस है दैट इज रिलेटिवली लार्ज, जिससे कि एब्जॉर्प्शन जो है वो हमारा अच्छे से हो पाए। ठीक है, ऑन एन एवरेज जो भी हम पे हमारा रिएक्शन होंगे अगर एवरेज के बारे में हम देखते हैं तो एक न्यूट्रॉन से लगभग लगभग 2.5 न्यूट्रॉन्स जो है वो हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है। ये जो क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन होता है वो अप्रोक्सीमेटली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, यानी अगर मैं एक ये रिएक्शन करवाता हूं, सारे रिएक्शन का अलग अलग होता है, ऑन एन एवरेज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना रिएक्शन जो है वो हमें मिलती है। इसके अंदर 80% एनर्जी जो है वो हमारे जो ये फ्यूजन प्रोडक्ट्स है इनके फॉर्म में होगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। जो हमारा 2-3% है वो न्यूट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होंगे। 2-5% जो है वो उस इंस्टेंट पे जो गामा रेडिएशन होंगे उसके फॉर्म में होंगे और बाकी जो एनर्जीज बचते हैं वो हमारा जो फर्दर बीटा और गामा डिकेज होते हैं जो हमारा एक रिलेटिवली हेवियर पार्ट है उस वाले का रेडिएशन के थ्रू हमें मिलती है। ठीक है, नाउ अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि एक न्यूट्रॉन से हमें मोर देन वन न्यूट्रॉन्स मिलता है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस रिएक्शन इज गोइंग टू बी अनकंट्रोल्ड। अगर मैं एक बार में मान लो दो ही न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होता है तो हर स्टेप में अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डबल हो जाए तो आफ्टर 10 स्टेप्स जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा दैट विल बी 2 to the power 10 और लगभग लगभग 1000 टाइम्स, यानी अगर अनकंट्रोल्ड फॉर्म में मैं न्यूक्लियर फ्यूजन को करने दूं तो एक बहुत ही बड़ा तगड़ा बम विस्फोट जो है वो हमें मिलने वाली है। नाउ न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, ऑब्वियस सी बात है हम ये तो नहीं चाहेंगे कि वहां पे एक बहुत बड़ा धमाका हो। तो बेसिकली हमें न्यूट्रॉन्स का जो हमारा रिएक्शंस है, रिएक्टिविटी है, वो रिड्यूस करनी होती है, न्यूट्रॉन्स को हमें एब्जॉर्ब करनी होती है। तो वो सारे सब्सटेंस जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करते हैं दे आर कॉल्ड एज मॉडरेटर्स। मॉडरेटर्स के फॉर्म में हम यूज करते हैं नॉर्मली हेवी वाटर या फिर ग्रेफाइट रॉड या फिर नॉर्मल वाटर जो है वो भी हमारा अच्छा खासा काम कर डालता है। लोगों ने अब जो बेटर टेक्निक्स बनाए हैं उसमें हम लोग नॉर्मल वाटर को भी इस मॉडरेटर की तरह काम करवा सकते हैं। इसीलिए इसके अलावा अगर हमें और ज़्यादा एफिशिएंटली उसको एब्जॉर्ब करवाना होता है तो इन दैट केस हम लोग यूज़ करते हैं कैडमियम रॉड्स।
they are very good moderators and very good absorber of न्यूट्रॉन्स. ठीक है. सो न्यूक्लियर फिजन मेन फायदा यह है, जो पर फिजन हमें एक्सट्रीमली हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, तो इस कारण पे जो ये रिएक्शन है वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो दिस रिएक्शन इज हाईली एफिशिएंट. बट देयर आर सम मेजर ड्रॉबैक्स. नंबर वन, कंट्रोल करना काफी मुश्किल है. जरा सा भी हमारे कंट्रोल में कोई भी गड़बड़ी हो जाए, तो बहुत ही ज्यादा तगड़ी विस्फोट जो है वो विस्फोट हमें मिलने वाली है. दैट्स द प्रॉब्लम नंबर वन. ठीक है. प्रॉब्लम नंबर टू, जो हमारा प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट्स भी अपने आप में रेडियो एक्टिव है, एंड दैट लीड्स अस टू अ वेरी हाई बायोहैजर्ड. दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियर वेस्ट. यानी जो बेरियम वगैरह हमारा पैदा हो रहा है उसको हम डंप कहां से करें, और जहां पर डंप करेंगे ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो वाला रीजन बहुत लंबे टाइम के लिए हमारा रेडियो एक्टिव होगा, यानी वो लगातार हमारा बीटा डीके वगैरह देता रहेगा. तो वो वाला जगह जो है वो जगह लिवेबल नहीं रहेगा. सो फिजन का एक मेजर जो इशू है वो है उसका बायो वेस्ट, यानी जो न्यूक्लियर वेस्ट है. द मेन प्रॉब्लम इज जो उसके प्रोडक्ट्स है, जो मॉडरेटली हायर वाला है, दैट इज अ वेरी एफिशिएंट बीटा डीके. ठीक है. एंड नंबर थ्री, एक बहुत बड़ी बात है. देखो, ज्यादातर जो हमारा ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है उसका जो मेन हम कोर मटेरियल यूज करते हैं, उनका जो फ्यूल बोल सकते हो, दैट इज द यूरेनियम. यूरेनियम का दो आइसोटोप्स है, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238, जिसके अंदर यूरेनियम 238 जो है वो हमारा ज्यादातर हिस्सा होता है. लगभग 99% जो है दैट इज सिंपली यूरेनियम 238. यूरेनियम 235 ना के बराबर होता है. ना यूरेनियम 238 पे अगर हमें न्यूक्लियर फिजन करवाना होता है तो उसके लिए जो हमें न्यूट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी चाहिए होती है, दैट काइनेटिक एनर्जी इज अराउंड 1 MeV. एंड इतना हाई एनर्जी के जो न्यूट्रॉन्स है, देर इज अ वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी जो कि हमारा वो फिजन नहीं दे और वो न्यूट्रॉन पूरा न्यूक्लियस के थ्रू पास हो जाए. ठीक है. अच्छा, अगर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन फेंकूंगा टुवर्ड्स यूरेनियम 238, तो सिंपली वो उसको एब्जॉर्व कर लेगा और एब्जॉर्व करके कन्वर्ट होगा 92 यूरेनियम 239 पे, जो फर्दर दो बीटा डीके करते हुए 94 प्लूटोनियम 239 पर कन्वर्ट होता है. तो रादर देन न्यूक्लियर फिजन हमें एक दूसरा रेडियो एक्टिव मटेरियल मिल जाती है. तो इस कारण पे हम जनरली यूरेनियम 238 को एज अ फ्यूल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. इस्तेमाल करना पड़ेगा यूरेनियम 235 को, और नेचर का जो नेचुरली ऑकरिंग यूरेनियम है उसमें बहुत ही ज्यादा कम, लेस देन 1% यूरेनियम 235 होती है. तो और यूरेनियम 235 को पहले हमें एनरिच करना पड़ता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी वेरी कॉस्टली अफेयर. ठीक है. अच्छा, इसके अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्टर वाला पार्ट है, प्लीज आप लोग एनसीईआरटी से पढ़ लेना. जो न्यूक्लियर रिएक्टर वाला पार्ट है उसका जो मेजर पार्ट है वो तो मैंने बता दिया, लेकिन जो न्यूक्लियर रिएक्टर का बाकी जो इंट्रिंसिक डिटेल्स है वो प्लीज एक बार एनसीईआरटी से ढंग से पढ़ लेना. फिजन का जो मेन बातें मुझे समझानी थी वो मैंने यहां पर कर दिया हूं. अब मैं बस एक लास्ट चीज बताऊंगा, जो फिजन रिएक्शन जो है उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रपोज्ड लिक्विड ड्रॉप मॉडल होता है वो हमारा क्या होता है. लेट्स सी. ओके दोस्तों, तो अब हम जल्दी से एक बार लिक्विड ड्रॉप मॉडल समझ लेते हैं. तो हमारे पास एक जो न्यूक्लियस है यूरेनियम 235 का, वो उसको अगर हमने एब्जॉर्व करवाया एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, तो वो जो एक्साइटेड यूरेनियम 236 बना, ड्यू टू द एक्सेस एनर्जी इट वाइब्रेट्स और ऑसिलेट्स कंटिन्यूअसली. यानी ये जो स्फेरिकल शेप था वो स्फेरिकल शेप इस तरीके से हमारा अंडे जैसे शेप में निरंतर कन्वर्ट होगा, वंस मेकिंग दिस एज मेजर एक्सिस, वंस मेकिंग दिस एज अ मेजर एक्सिस. ठीक है. अच्छा,
जो अंदर का न्यूक्लियंस है उसको हम लोग मान लेते हैं एज अ लिक्विड मॉलिक्यूल्स। तो मान लो ये वाले जो हमारा लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, तो यहां का ऊपर वाले लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऑब्वियसली बात है जब वापस आने के बारे में बात आएगी ड्यू टू इनर्शिया वो उतनी आसानी से वापस नहीं आना चाहेगा, ठीक है। इसको वापस पास की तरफ लाएगा कौन? एक दूसरा प्रॉपर्टी भी लिक्विड का होता है लाइक सरफेस टेंशन। यहां पर जो सरफेस टेंशन की तरह मेन काम करवाता है दैट इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो वापस चाहता है जो सारे न्यूक्लियॉन्स हमारे साथ में हो, यानी उसके जो स्फेरिकल शेप है उसको रिगेन करवाना चाहता है। तो ड्यू टू इनर्शिया जो हमारा कुछ पार्ट ऑफ न्यूक्लियॉन्स है वो चाहता है जो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में ही रह जाए, और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हमारा ये चाहता है जस्ट लाइक सरफेस टेंशन जो वो वापस स्फेरिकल शेप में रह जाए। तो अगर एक सर्टेन लेवल के नीचे का डिस्टॉर्शन है तो इन दैट केस हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना स्फेरिकल शेप को वापस रिगेन कर लेगा, बट आफ्टर अ सर्टेन वैल्यू द प्रॉब्लम दैट विल ऑकर इज एक्साइटेशन इतनी ज्यादा होगी जो सरफेस टेंशन हमारा सफिशियंट नहीं होगा इनर्शिया वाले पार्ट को ओवरकम करने के लिए, तो कुछ न्यूक्लियॉन्स जो हमारा डिस्टॉर्शन है उस साइड में जो पहले जहां पर डिस्टॉर्शन था उस तरफ रह जाने का टेंडेंसी क्रिएट करेगा, एंड धीरे 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 ये वाला पार्ट जो है वो अलग से हमारा सेपरेट आउट होना चालू होगा, एंड जस्ट लाइक लिक्विड ड्रॉप ये हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो गया। लिक्विड ड्रॉप को ऑब्वियसली बात है डिवाइड करने के लिए हमें बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो यहां पर भी स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स के फॉर्म में हम लोग एक बड़ा ड्रॉप को दो छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। दिस इज द लिक्विड मॉडल ऑफ न्यूक्लियर फिशन, ठीक है। मैंने वापस लिख भी दिया हूं, एक बार न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ लेना, ठीक है, उसमें केवल थ्योरी है, समझाने का कुछ नहीं है। मेन जो इस पे समझाने वाला पार्ट है वो मैं करवा दे रहा हूं। तो न्यूक्लियर फिशन यहां पर समाप्त होता है। द नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज बोथ आर्टिफिशियल और इसके अलावा स्टार्स में भी होते हैं दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। लेट्स सी व्हाट्स न्यूक्लियर फ्यूजन, राइट? ओके दोस्तों, सो नाउ लेट्स कंसीडर न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है, जो हमारा लाइटर न्यूक्लियस है वो लाइटर न्यूक्लियस को कंबाइन करते हुए मीडियम साइज न्यूक्लियस में कन्वर्ट करना। अगर हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के ग्राफ के बारे में देखें तो दोस्तों ध्यान देना, लेफ्ट साइड में ग्राफ हमारा फेंकस स्टीप होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 1H2 और 2He4, इन दोनों का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के एनर्जी में काफी ज्यादा हाई डिफरेंस हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो अगर मान लो दो ड्यूट्रियम हमारा आपस में कंबाइन होके एक He4 का हमें न्यूक्लियस दे तो इन दैट केस एक्सट्रीमली हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। सो एक क्लासिक जो हमारा फ्यूजन रिएक्शन है दैट इज 1H2 प्लस 1H2 गिव्स यू 2He3 प्लस 1 न्यूट्रॉन, एंड इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो नियर अराउंड 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी होती है। अच्छा, वहां पर यूरेनियम 235 इस्तेमाल करने पर हमें जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है 200 MeV, यानी पर न्यूक्लियॉन अगर हम देखें तो लगभग 1 MeV जितनी एनर्जी मिलती है। यहां पर भी अगर हम ध्यान दें टोटल 4 न्यूक्लियॉन से 4 MeV जितनी एनर्जी ही मिल रही है, तो एनर्जी वाइज फिजन और फ्यूजन दोनों हमारा लगभग इक्वली एफिशिएंट है। फायदा फ्यूजन में यह है, जो फ्यूजन में जो हमारा चेन रिएक्शन के कारण ब्लास्ट होने का संभावना था वो हमारा फ्यूजन में नहीं है। दूसरा, यहां पर जो हमारा प्रोडक्ट है देयर इज नो रेडियोएक्टिव वेस्ट, हीलियम जो है वो परफेक्टली स्टेबल और नॉन पॉइजनस हमारे पास एलिमेंट है, ठीक है। तो ये दोनों मेजर जो हमारा फायदा है फ्यूजन का ओवर फ्यूजन, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं।
द मेजर ड्रॉबैक, जो फ्यूजन है उस पर दो न्यूक्लियस को बिल्कुल अपने नजदीक आना पड़ेगा। दोस्तों अगर हम दो प्रोटॉन को भी पास पास लाने का कोशिश करें तो वहां पर उन दोनों में जो रिपल्शन होगा वो एक्सट्रीमली हाई होती है, और फ्यूजन करने के लिए हम जो प्रोवाइड कर सकते हैं वो है बेसिकली टेम्परेचर। तो दो प्रोटॉन को अगर हमें साथ में जोड़ना है तो भी इन दैट केस हमें जो एनर्जी देनी पड़ती है, जो टेम्परेचर रखना पड़ता है, दैट इज ऑफ द ऑर्डर 10^9 केल्विन। ठीक है, सो दैट टेम्परेचर इज एक्सट्रीमली हाई। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, फ्यूजन करवाने में जो दो न्यूक्लियस को नजदीक ला रहे हो उनके जो कूलॉम्बिक रिपल्शन का बैरियर है वो बैरियर को हमें ओवरकम करना पड़ता है, और वो प्रोवाइड करता है टेम्परेचर और एक्सट्रीम हाई प्रेशर जो बेसिकली हमारे सन के कोर में होता है। वहां का टेम्परेचर और प्रेशर हमारा एक्सट्रीमली हाई होती है, तो वहां पर जो हमारा फ्यूजन है वो इतना न्यूक्लियस के पास जो थर्मल काइनेटिक एनर्जी है वो होनी चाहिए जो कि ये कूलॉम्बिक रिपल्शन के बैरियर को पार कर पाए, और इस प्रकार के जो फ्यूजन होता है दैट इज कॉल्ड द थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, बहुत सारे फ्यूजन रिएक्शंस पॉसिबल है, तो इसके अंदर मैंने यहां पर जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो इंपॉर्टेंट है। जो सन के अंदर होता है इसको हम प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल बोलते हैं, वो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल को मैंने एक्सप्लेन कर रखा हूं। प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है दैट एक्ट्स एज अ फ्यूल। सो दो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हमारा न्यूक्लियस हमारा साथ में जुड़ के देता है एक ड्यूट्रियम न्यूक्लियस, और साथ में एक पॉजिट्रॉन जो है वो हमारा बाहर निकलता है, इतना एनर्जी रिलीज हुआ। ठीक है, अच्छा ऑब्वियस सी बात है यहां पर जो मेरा एटम्स था ये एटम में टोटल दो इलेक्ट्रॉन था, यहां पर जो है एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो ये एक इलेक्ट्रॉन है और यहां से जो ये पॉजिट्रॉन निकला वो दोनों आपस में जुड़ के एनिलिएट किया और दो गामा रेज देता है, और साथ में एनर्जी मिलती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो ये न्यूट्रियम पैदा हुआ वो फर्दर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके देता है 2He3 और बनाता है गामा, और एनर्जी निकलती है 5.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये पूरा रिएक्शन को दो बार कर डालो तो जो 2He3 हमारा पैदा होगा वो दोनों साथ में कंबाइन होकर बनता है 2He4 और साथ में बनता है 2H1 और एनर्जी जो निकलती है दैट इज 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये सारे रिएक्शन को अगर मैं ऐड कर दूं इसको, यानी ये तीनों को इनटू 2 करके, दिस इज द फाइनल रिएक्शन। तो टोटल एनर्जी जो है वो हमारे मिलती है 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हाइड्रोजन जो है वो यहां पर हमारा फ्यूल की तरह बिहेव कर रहा है। तो फ्यूजन में सब कुछ अच्छी बात है, बट प्रॉब्लम एक ही है, दो न्यूक्लियस ड्यू टू कूलॉम्बिक रिपल्शन मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। अगर प्रोटॉन प्रोटॉन में हाई बैरियर होती है तो अगर मैं हेवियर न्यूक्लियस को मान लो, अगर मैं दो कार्बन न्यूक्लियस को साथ में ले जाना चाहूंगा तो वो ऑब्वियस सी बात है बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली है। तो मेनली ये हाइड्रोजन और हीलियम वाला साइकिल जो है दैट इज द प्रीडोमिनेटिंग फ्यूजन साइकिल। हाँ, अगर टेम्परेचर और ज्यादा होती है तो इन दैट केस हमें कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल्स, ये सारे के सारे फ्यूजन साइकिल्स भी मिलते हैं। उसको डायरेक्टली याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसके रिगार्डिंग डेटा जो है वो हमारा दिया हुआ होगा। तो फ्यूजन और फ्यूजन के बारे में सारे चर्चाएं हम कर चुके हैं, अब जल्दी से एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पर क्वेश्चंस में भी कुछ दम नहीं होती है। न्यूक्लियर फिजिक्स जो है वो हमारी समाप्त होती है, अब उसके हम मैथमेटिकल मॉडल की ओर जाने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, अभी तक तो हम ये बोल रहे हैं जो रेडियो एक्टिव है और उसका मैथमेटिकल मॉडल क्या है उसके बारे में अब हम चर्चा करना चालू करेंगे। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग यहां पर देखते हैं सारे के सारे एक आध क्वेश्चंस। ठीक है, और उसी के साथ ये चैप्टर हम समाप्त कर डालेंगे। ओके दोस्तों, एक आसान सा क्वेश्चन देख लेते हैं। यार फ्यूजन फ्यूजन में क्वेश्चन में दम नहीं है,
देखो वहां पर मैं क्वेश्चन वापस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का बना सकता हूं, ठीक है, बट वैसे क्वेश्चन हमने बहुत डिस्कस कर लिए। शुद्ध फ्यूजन और फ्यूजन के ऊपर कोई टफ क्वेश्चन किसी भी हालात पर बनी नहीं सकता है। जो आसान एकाध क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं और फिर चैप्टर समाप्त करते हैं, टाइम पास नहीं करते हैं। सो वी हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी दैट इज सप्लाइड बाय 2.35 ग्राम ऑफ यूरेनियम 235 वाया फ्यूजन। एक फ्यूजन देता है हमें 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो काफी ज्यादा आसान है। 2.35 ग्राम दैट सिंपली मीन्स 0.01 मोल, इतना है हमारे पास, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 21 न्यूक्लियस, राइट। नाउ ऑब्वियस सी बात है, एक न्यूक्लियस हमें देता है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी दैट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 जूल। सो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा एनर्जी मिलेगी दैट एनर्जी विल बी इक्वल्स टू 3.2 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 10 जूल। ये होगा 1819, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 19.3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10 जूल, जो कि हम देख सकते हैं एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ एनर्जी है। फ्यूजन फ्यूजन में तो भाई ज्यादा कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। ओके दोस्तों, तो अगला आसान क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास 1 ग्राम यूरेनियम 235 है और उसको एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से मैं जब फ्यूजन करवा रहा हूं, तो दीज आर द प्रोडक्ट्स, देन वी हैव टू फाइंड द क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन इन किलोवाट आवर। लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट, इट्स अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेट्स सी, क्या है मेरे पास, यूरेनियम 92 यूरेनियम 235 प्लस 0N1, ये हमें देगा रिएक्शन होके, यहां पर अगर हम देखें 36 क्रिप्टन 92 प्लस 56 बेरियम 141, और यहां पर अगर हम ध्यान दें टोटल कितना बच रहा है, ऊपर है 236 और इन दोनों को ऐड करूंगा तो आ रहा है 233, तो ऑब्वियस ही बात है मेरा 3 न्यूट्रॉन जो है वो हमारा पैदा हो रहा है और साथ में ऑब्वियसली एनर्जी जो है वो हमारे पैदा होंगे। सो जो हमारा मास ऑफ प्रोडक्ट है वो मास ऑफ प्रोडक्ट मेरा कितना होगा, इनको ऐड कर दूं 91.8673 प्लस 140.9139 प्लस 3 इंटू 1.0087 एमयू, ये हमारे पास आने वाला है एंड दैट कम्स आउट टू बी 235.8373 AMU। जो हमारा मास ऑफ रिएक्टेंट होगा वो मेरा कितना है, 235.0349 प्लस 1.0087 AMU, ठीक है, ये हमारे पास आने वाला है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो दैट विल कम आउट टू बी 236.0536 AMU। ये रिएक्टेंट का एम है, ये प्रोडक्ट का एम है, तो हमारे पास जो डेल्टा एम आएगा वो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन होने वाला है, तो कितना आ जाएगा, यहां पे 3, यहां पे 6, यहां पर 1,
यहां पर 0.2163 AMU। तो रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट का मास को अगर हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। हां, ये हम लोगों ने सही निकाला है, ठीक है। सो जो मेरा डेल्टा ई होगा दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर 0.2136 × 931 MeV। ये हमारे पास आएगा। एंड इफ वी कंप्यूट दिस इज कमिंग आउट टू बी नियर अराउंड 200 MeV, जो कि आना चाहिए था, ठीक है। सो नाउ 1 gram implies 1/235 × 6.02 × 10³ nucleus। और एक में एनर्जी निकलती है हमारे पास कितना, 200 MeV। तो जो मेरा टोटल ई आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 200 × 235 6.02 × 10³ MeV, ठीक है। ये वाले को अगर हम कंप्यूट करते हैं तो ये लगभग आता है 5.1 × 10³, 1.6 × 10⁻¹⁹ मेगा है तो × 10⁶ जूल। तो इसको अगर हम कंप्यूट करें तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा लगभग लगभग अगर हम देखें, सो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 5.1 यहां पर है 3 × 10⁻¹⁰ जूल। इतना हमारे पास टोटल एनर्जी जो है वो हमारी आ जाएगी जो 1 gram से निकल रहा है। एंड 1 kWh इज सिंपली इक्वल्स टू 3600 × 10³³ जूल। सो 3.6 × 10⁶ जूल। सो ई इन किलोवाट आवर जो आएगा 8.2 / 3.6 × 10⁴। तो यहां पर अगर हम कैलकुलेट करें तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास कितना, 41/18 किलोवाट आवर। सो दिस इज द टोटल एनर्जी इन किलोवाट आवर। कैलकुलेशन एक बार देख लेना, मेरे ख्याल से कोई गड़बड़ी नहीं है। बाकी मेथड जो है वो तो काफी ज्यादा आसान है मेरे ख्याल से। ओके ओके दोस्तों, तो इसके रिगार्डिंग लास्ट क्वेश्चन, 1H2 + 1H3 gives us a fusion of 2He4 + 1 neutron, ठीक है। मास सबका दे रखा है तो ये वाले रिएक्शन का क्यू वैल्यू कितना होगा, ये पहला सवाल है। एंड दूसरा सवाल ये है, अगर 1H2 और 1H3 का हमारा रेडियस दे रखा है तो इन दैट केस हमें मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन कितनी रखनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, पहला वाला जो डेल्टा एम ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा, इन दोनों को डायरेक्टली पहले ऐड करो, 4.002603 प्लस एक न्यूट्रॉन का 1.008665 माइनस इन दोनों का 2.014102 − 3.16090 AMU। ये हमारे पास आ रहा है डेल्टा एम ऑफ रिएक्शन। और ये जो हमारा डेल्टा एम ऑफ रिएक्शन है दिस इज इक्वल्स टू 0.018924 AMU। कैलकुलेट करके आ रहा है
ये हमारा डेल्टा एम है, तो तुरंत हमारा क्यू जो है वो तो आ जाएगा एक स्टेप में 0.0189 ही मान लो इसको, चलो इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड इफ आई कंप्यूट इट अप्रोक्सीमेटली कम्स आउट टू बी 7.62 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो एनर्जी वाइज तो काफी ज्यादा हाई है, जो कि हम साफ साफ देख सकते हैं, काफी ज्यादा एनर्जी जो है वो हमारी रिलीज हुई है। मेन रीजन है हमारा हाइड्रोजन और ट्रिट्रियम दोनों जो है वो काफी अनस्टेबल न्यूक्लियस है, एंड हीलियम इज अ वेरी वेरी स्टेबल न्यूक्लियस। ठीक है, नाउ अब अगर हम देखें जो इसका कूलंबिक बैरियर कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है दोनों न्यूक्लियस को नजदीक नजदीक आना तो पड़ेगा ही, और दोनों का रेडियस जो है वो 1.5 फेमटोमीटर है, यानी जस्ट टचिंग का कंडीशन भी अगर हम मान ले तो ये वाला जो आएगा दैट विल बी 3 फेमटोमीटर। तो यहां का ये मेरा प्लस वन ई है दोनों के न्यूक्लियस पे ही, दोनों के न्यूक्लियस पे ही हमारे पास एक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ओके दोस्तों, सो दिस इज द सिनेरियो। तो जो मेरा पोटेंशियल बैरियर होगा U, दैट विल बी 1/4πε0 इंटू Q2 बाई R। तो यहां पर अगर हम कंप्यूट करें तो मेरे पास आएगा 9 × 10⁻⁹, 1.6 × 10⁻¹⁹ का होल स्क्वायर बाई 3 × 10⁻¹⁵ आएगा मेरे पास। तो यहां पर अगर हम कंप्यूट करें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1.6 का स्क्वायर 2.56, ये हो जाएगा 10⁻²⁴, ये हो गया −38। तो मेरे पास आ जाएगा 7.68 × 10⁻¹⁴ जूल। और ये वाला जो कूलंबिक बैरियर है इसको हमारा ओवरकम जो करेगा दैट इज द थर्मल काइनेटिक एनर्जी। नाउ दोस्तों, थर्मल काइनेटिक एनर्जी किसी का भी होता है 3/2 kb × t, यहां पे kb जो है वो हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। सो दोस्तों, जो हमारे पास आएगा दैट विल बी 3/2, kb होता है 1.38 × 10⁻²³ इंटू टी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7.68 × 10⁻¹⁴। एंड नाउ इफ वी कंप्यूट व्हाट वी गेट इज टी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3.7 × 10⁻¹⁹ केल्विन। तो फ्यूजन और फ्यूजन के रिगार्डिंग इतना क्वेश्चंस हमारे लिए काफी है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ चुका है। चैप्टर हमारा समाप्त है, लेट्स स्टार्ट विथ रेडियो एक्टिविटी।